दिन में सुकून न रात को चैन, जनूबी पंजाब में हर दो घंटों के बाद लाइट गायब। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अचीरन बना दी। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम परेशान। 5 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। बिजली की बंदिश की वजह से पानी भी गायब। शहरी मैपकों के खिलाफ फट पड़े, बिजली बहरान को कंट्रोल करने का मुतालबा। शहरी हदूद में मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। स्टाफ और ताजरों की वैक्सीनेशन लाजमी करार। मंडियों के दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर और मास्क फराहम करने की हिदायत। महंगाई रे महंगाई, हर जुबान पर बस एक ही दुहाई। महंगाई और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। मुल्तान, बहावलपुर, लैया समेत दीगर शहरों में एहतजाज और रैलियां। मुल्तान कलमा चौक पर मुजाहिरा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोस ने एहतजाज की कयादत की। महंगाई से सताई आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लोहा 130 रुपए किलो महंगा। लोहे की फी किलो चादर 130 से बढ़कर 260 रुपए हो गई। लोहे से बनी दीगर चीजों के रेट भी बढ़ गए, शहरी परेशान। रहीम यार खान में सिवरेज के नाकिस इंतजाम। शहरी खार, दस्तगीर कॉलोनी की गलियां सिवरेज के पानी में डूब गई। मकीन शिकवा कोना, इंतजामिया से फौरी अमली इकदाम का मुतालबा। मेडिकल के नए इम्तिहान। एनएलई की रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 5 जुलाई मुकर्रर। इम्तिहान का इनेकाद अगस्त में होगा। तालिब इलम एनएलई इम्तिहान के खिलाफ सराप एहतजाज। बेशतर तुलबा ने इम्तिहान को मुस्तरद कर दिया। तुलबा कहते हैं इम्तिहान वाले दिन सेंटर्स को ताले लगा दिए जाएंगे। मुल्तान में गर्मी बढ़ते ही स्टील और प्लास्टिक से बने कूलर्स की मांग में इजाफा। दुकानदारों ने सेल लगा दी। 700 रुपए से 3800 रुपए तक दस्तयाब। शहरी कहते हैं डबल सीट वाले कूलर में पानी ठंडा रहता है। भक्कर का मासूर मंजूर हुसैन अस्म हिम्मत की मिसाल। दोनों टांगों से मासूर मगर भीख मांगने की बजाय मस्तूरी को तरजीह दी। 20 साल तक दर्जी का काम किया। कहा मकान बोसीदा है, बूढ़ी माँ और बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं। रहीम यार खान में होने जा रहा है पहली बार बॉक्सिंग का आलमी मुकाबला। मारूफ बॉक्सर टाइगर हमदानी और इंग्लैंड के लायन किंग 7 अगस्त को आमने सामने होंगे। टाइगर हमदानी हैवी वेट फाइट के लिए तैयारियों में मसरूफ और जीत के लिए पुरअज़्म।